भाई मैं तो सबसे बोल रहा हूँ, जो जो आ सकता आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जतिन बोस तो आता ही है। चलिए भाई देखो, इसको तो हटाए, हमारा ये चालू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके भाई देखते हैं भाई, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं पहले, एक तो कोई सा भी, ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। हाँ ABCD, अब हमें बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर PQ, बाइसेक्ट ईच अदर, और ये R और S, मतलब ये इसका मिड पॉइंट, ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये बोल रहे हैं। देखते हैं, ये यहां से ज्वाइन कर दिया हमने और यहां से ज्वाइन कर दिया हमने। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है OP इक्वल टू OQ और OR इक्वल टू OS, ऐसा प्रूव करना है भाई। OP इक्वल टू OQ और OR इक्वल टू OS, ऐसा प्रूव करना। कैसे करेंगे भाई बोलो। अरे कैसे प्रूव करेंगे, PRQS को पैरेललोग्राम प्रूव करके। हाँ PRQS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दे। वेरी गुड, PRQS को हम पैरेललोग्राम प्रूव कर दे, बिल्कुल सही बोल। और जैसे ही इसको पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और इसको BD को मिला दो भाई, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD दिख रहा है ABD, यस सर। P एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AD रेस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम PS इज पैरेलल टू BD एंड PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। कोई दिक्कत बोलिए। नवीन नो सर। CD हो गया बेटा आपको। इन ट्राइंगल BCD Q एंड R आर द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड BC रेस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर QR इज पैरेलल टू BD एंड QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बेटा क्या हो गया, RS इक्वल टू PS इज पैरेलल टू QR एंड PS इज इक्वल टू QR। सो देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अब यदि ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर।
So therefore, OP equal to OQ and OR equal to OS. यही प्रूव करना था. बोलिए. Yes, sir. चलिए. लिख लीजिए बेटा. चलिए भाई, आज का लास्ट प्रॉब्लम. अगले पेज पे आ जाओ भाई. यस सर. चलिए लास्ट प्रॉब्लम सेवंथ. एबीसी इज ए ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है ना. राइट एंगल एट सी. तो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बना लो. देखो ये रहो. एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल एट सी. M is the midpoint of hypotenuse AB. ये M बेटा है midpoint of hypotenuse AB. Parallel to BC. यहां से parallel to BC एक line draw करो through M. ये कहां कट कर रही है बेटा. डी पे कट कर रही है. प्रूव दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी. बहुत बढ़िया. कोई दिक्कत नहीं है. कैसे. मिड पॉइंट थ्योरम से. डी एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. सो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. By converse of midpoint theorem, D is the midpoint of AC. D is the midpoint of AC. ये तो हमारा first part हो गया भाई. कोई दिक्कत है किसी को. D is the midpoint of AC. Now MD is parallel to BC. So angle MDC plus angle BCD equal to 180 degree. Co-interior angles. Co-interior angles. Angle MDC ये 90 degree है बेटा हमारा. तो angle MDC आपका 90 degree हो गया. So therefore MD is parallel to AC. Second वाला proof हो गया बेटा. कोई दिक्कत. नो सर. अब हम इसको एमसी को मिला देते हैं बेटा. नाउ इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल रुको इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल डी सी एम. AD equal to DC. D is midpoint of AC. Angle ADM is equal to angle CDM. Each 90 degree. और DM equal to DM. कौन सा क्राइटेरिया लग गया भाई कॉन्ग्रुएंसी का. सर SAS. SAS. So by SAS congruency. Triangle ADM is congruent to triangle CDM by CPCT. इधर लिख रहा हूं बेटा. By CPCT
एम इक्वल टू सी एम, सी एम और ए एम किसके इक्वल है, बट ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, सो देयरफॉर ए एम इक्वल टू सी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यही प्रूव करना था बेटा, बोलिए। यस सर, ये आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया, सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये भी, कोई दिक्कत बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलिए आज का काम हमारा खत्म, ये आपका क्वाड्रिलेटरल अच्छी तरह से हो गया, अब ये परसों अपन स्टार्ट करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, मोस्ट प्रोबेबली परसों ही हो जाना चाहिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन बड़ा नहीं है, बट नहीं होगा तो अगले दिन करके, बस अपने पास कंपास स्केल और पेंसिल जरूर रखना, कंपास स्केल और पेंसिल, ठीक है? यस सर। चलिए भाई मैं बंद कर रहा हूँ। बाय सर। बाय बेटा।